सारी शक्तियां, उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन। और बहुत दिनों बाद महिमा जी दिखी हैं, और इट्स सो नाइस टू सी यू। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अवर ऑनगोइंग शक्ति कैंप, बट विद इन अनदर गैप ऑफ 2-3 डेज आई थिंक विल बी स्टार्टिंग अनदर कैंप, होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट मंडे आई थिंक विल डिक्लेयर द डेट। एंड द नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू डू द लिवर फ्लश, एंड आने वाले टाइम में हम किडनी फ्लश भी करेंगे। देर आर सो मेनी फ्लशेस आई वॉन्ट टू डू विद ईच एंड एवरी कैंप, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। और कनक जी हमारे साथ है, वेरी गुड। तो सारी आपकी जो डिमांड्स हैं वो मैं आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू मीट देम। और हम लोग किडनी फ्लश, नमस्कार सभी को, और हम लोग लिवर फ्लश भी करेंगे। एंड आप फायदा होने वाला है ये अगला कैंप 3-4 डेज भी, सो डोंट वरी। आज का जो निर्मला जी, आर यू देयर? निर्मला जी, हाँ जी, जी आप अपनी शक्ल दिखाओ, मैं देखूं आपकी कैसी तबीयत, ठीक है कि नहीं है, कैसे हो आप? हाउ आर यू? अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और एक टेस्टिंग हो रही है वापस आगे। ओके, तो अभी डॉक्टरों को लग रहा है कि पीएच का लेवल बिगड़ा है, इसके कारण सब प्रॉब्लम लग रहा है। पहले हार्ट हार्ट कर रहे थे, अभी पीएच का लेवल है ना, अभी रिपोर्ट आई नहीं है। थायराइड स्कैन कराया है, उसमें उनको समझ में आया थायराइड ग्लैंड में बहुत है ना प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। थायराइड के लिए मैंने कुछ टिप्स आप लोगों को बताए हैं। एनीबॉडी हु इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड प्रॉब्लम, दे शुड गो फॉर ठंडा गरम सेक गले पर करें, और उसके लिए गार्गल्स करें सेलाइन वाटर के। और ये डाइट जो नेचुरल मैंने बताई है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और क्या कहते हैं सैलेड्स और रॉ डाइट, और इन सब चीजों पर रहेंगे, लीव्स पर, नट्स पर। और यू हैव टू अवॉइड द डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो धीरे धीरे जो है टेपरिंग ऑफ द मेडिसिन, एंड उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक लाइफस्टाइल, यही है की टू हेल्थ। मेडिसिन से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप मेडिसिन खाते रहेंगे ओवर द ईयर्स, उनकी पोटेंसी उनका और ज्यादा डिग्री बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी, बट द रूट कॉज विल नॉट बी सॉल्व। वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्राकृतिक प्रकृति के नियमों को जो है पालन करना है हमें। तो अभी करूंगी मैं, वो कर रही हूँ, लेकिन एक बार तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी बिस्तर से उठने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप डॉक्टर की सलाह अवश्य माने। देखिए मेडिसिन जो है इंटरवेंशन कई बार जरूरी हो जाती है, आई टोटली एग्री। क्योंकि तो मेरा वजन, डॉक्टर बोल रहे अभी कम, अभी रिपोर्ट आने के बाद मालूम वजन बहुत कम रहा, नहीं तो बोले डॉक्टर्स बोले भी है बहुत ज्यादा वजन कम हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। एवरी वीक बिल्कुल 100 ग्राम घट रहा है ना। नहीं नहीं बिल्कुल, आप मेडिकल इंटरवेंशन लें और एक बार स्टेबल कर रहे हैं अपनी कंडीशन, और उसके बाद धीरे धीरे आप प्राकृतिक तरीके से ही, बल्कि मेडिसिन के साथ साथ भी आप अपना प्राकृतिक जो इलाज है वो चलते रहिए। गार्गल्स का मैंने कहा, और हॉट एंड कहा, लपेट बहुत कारगर है, आप गले पर गले की लपेट बांधिए, चमत्कारी लाभ है इन सब चीजों के। तो इसके साथ चलिए, अब आपका जो सेशन है हमारा हेल्दी एजिंग, जो जिसे कहते हैं कि विद एज हमारा जो शरीर है धीरे धीरे, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है विद एवरी डेकेड, हर दशक में जो है हमारा 10% मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। यानी कि बाय द टाइम हम 50 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तो हमारा 30% जो है मेटाबॉलिज्म डिक्लाइन हो चुका होता है। तो जब मेटाबॉलिज्म हमारा डाउन है तो उस समय पर यदि हम वही डाइट जो हम एक 25 साल की उम्र में हम लेते थे, खाते पीते थे, रैश लिविंग थी और नियमित खान पान का या एक्सरसाइज का कोई नियम नहीं होता था, तो यदि वही चीज अगर हम आगे चल के अपने जीवन में जो है व्यवहार में और आहार व्यवहार विहार में
बिल्कुल नहीं लाएंगे तो उससे आगे चल के जो है हमारी जो है शरीर की क्षमताएं जो है कम होती जाएंगी और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी और हम ज्यादा बीमार होंगे। तो इसीलिए कैसे हमें उम्र के हर दौर पर, जहां आज हम खड़े हैं आज से 10 साल 20 साल बाद, हम कैसे इस जर्नी को बड़ी ही जॉयफुल तरीके से, एक इट शुड बी एज शुड नॉट बी द बर्डन के ओहो अब जो है अब तो हमारे जीवन में कुछ उत्साह ही नहीं है, इट्स अ नेचुरल कोर्स, अभी इच्छाएं खत्म होना तो एक, बट दिस शुड नॉट बी द फ्रेम ऑफ माइंड। चाहे आप उम्र के किसी भी दौर पे हो, किसी भी एज पर हो, वो जो एक स्पार्क एंड द स्पिरिट फॉर लाइफ एंड द जॉय ऑफ लाइफ शुड ऑलवेज बी देयर इन एनी लाइक एज, वही जीने का एक सही तरीका है। तो वो आपके जीवन में वो सेंस ऑफ जॉय और खुशी, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट कैसे आएगी, तो उसके लिए कुछ पहलुओं पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि नंबर वन जो उसका जिसकी तरफ हमारा ध्यान निरंतर बना रहना चाहिए, वो सबसे पहले हमारा जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का ही है, क्योंकि जो भी हम है बने हुए हैं, हमारे सेल्स हैं वो फूड से ही हम लोग बनते हैं। वी आर लाइक मेड फ्रॉम द ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफ द फूड, एंड सो कोई भी अगर त्रुटि आती है या कोई भी अगर डिसबैलेंस आता है या कोई बीमारी आती है तो दैट हैज टू बी ट्रीटेड बाय द ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफ फूड ओनली, दैट इज द गोल्डन रूल। तो भोजन हमारा जो है विद, जैसे मैंने कहा कि विद एवरी डेकेड आपका 10% मेटाबॉलिज्म डिक्लाइन होता है, यानी कि जो आपके शरीर की जो यंत्र की क्षमता थी पहले जितनी थी उससे हर 10 साल में वो 10% रिड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है विद एज अपना कैलोरी कंटेंट, अपना जो कंजम्पशन है वो थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए। और खाना किस प्रकार का करना चाहिए, जब तक हम बड़े हो रहे होते हैं 25-30 साल तक, जब हम ग्रोथ का स्पैन बहुत फास्ट होता है, हड्डियां बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है और बॉडी शरीर जो है बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा होता है, तो उस टाइम जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की, जैसे दूध के बहुत लोग शौकीन होते हैं, दाल इत्यादि, तो उसका जो है सबसे पहले तो अब लेटेस्ट न्यूट्रिशनल साइंस कहती है कि मिल्क इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज बहुत ज्यादा एडल्टरेटेड तो है ही, साथ साथ मिल्क के साथ जो है सबसे पहला जो फैक्टर, अब कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्राणी जो है वो किसी भी दूसरे का दूध नहीं पीता। शिशु जो है तब तक माँ का दूध पीता है जब तक दूध पीता है, जब तक वो माँ का दूध पीता है, चाहे पक्षी जानवर को भी नहीं, बस मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि दूसरे स्पीशीज का दूध पीता है, क्योंकि गाय का जो दूध है वो उसके बछड़े के लिए होना चाहिए, ना कि हमारे लिए। दूसरी बात, हम जैसे कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं कि भाई गाय के दूध में तो बहुत जो है हाई प्रोटीन है और ग्रोथ फैक्टर है, जी हाँ बिल्कुल है, और वो कई गुना ज्यादा है, बट वो उतना ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन या प्रोटीन का लेवल वो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उसके दूध, उसका जो गाय का या दूध है वो उसके बछड़े के लिए है, क्योंकि उसको 6 महीने में कुछ टन का बन के हो जाना है। मानव शिशु के लिए इतना ग्रोथ हार्मोन और इतना हाई लेवल का प्रोटीन की आवश्यकता ही नहीं है, तो इट अल्टीमेटली कॉजेज मोर डैमेज देन गुड। और एक और रिसर्च जो है फिनलैंड, डेनमार्क, ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जहाँ पे मिल्क का कंजम्पशन है बहुत ज्यादा है, तो ऐसी जगह पे रिसर्च ने पाया कि वहां पर जो बोन डिसीजेज है वो ज्यादा होती है। कितना उल्टा है जितना हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अगर दूध पी लिया तो हमारी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, जबकि अब इसको, इसकी साइंस समझिए, जब हम सबसे पहली बात कि हमारा जो ब्लड है वो एल्कलाइन है, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, दैट मीन 7.4 पीएच है ब्लड का, यानी कि अगर एक व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है तो वो 20% जो है एसिडिक फूड खाएगा और 80% एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय और अम्लीय का ये बैलेंस होना चाहिए। जब हम एसिडिक फूड खाते हैं, यानी कि उसके पचने के बाद जो है उसके ब्लड की जो है पीएच क्षारीय होती है या अम्लीय होती है, तो जब व्यक्ति दूध पीता है
तो उसके पाचन क्रिया के बाद जो उसका जो ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। अब हमारे शरीर में हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है और हमारा बॉडी के सारे मैकेनिज्म बहुत ही सुपर फाइन तरीके से होते हैं। जब बॉडी ये सेंस करती है, हमारा ब्रेन ये सेंस करता है कि हमारे शरीर का जो रक्त है वो अम्लीय है, तो उसको एल्कलाइन करने में बॉडी जो है कैल्शियम यूज करती है। और जितना ज्यादा व्यक्ति दूध पीता है उतनी उसकी जो खून की जो अम्लीयता है वो बढ़ती है। उस अम्लीयता को क्षारीयता में बदलने के लिए जो है बॉडी कैल्शियम का इस्तेमाल करती है। बिना कैल्शियम के इस्तेमाल से वो जो एसिडिक कॉम्पोजिशन ब्लड की बनी है वो नहीं कन्वर्ट हो पाती। तो बॉडी को उस दूध के खाने के पीने के फल स्वरूप जो शरीर में अम्लीयता ज्यादा हो गई, उसको क्षारीयता बनाने में हमारा जो शरीर है वो कैल्शियम की उसको आवश्यकता पड़ती है। और जब कैल्शियम की पूर्ति वो नहीं कर पाता तो वो हड्डियों से लेना शुरू कर देता है बॉडी उस कैल्शियम की पूर्ति और उस एसिडोसिस को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यानी कि यहाँ ये बात समझने की है कि हमारा जो ये जो धारणा है कि हम ज्यादा दूध पियेंगे तो हमारा कैल्शियम रिच होगा, बल्कि डिप्लीशन ज्यादा होगा। अगर आप ज्यादा दूध पी रहे हैं तो दूध पीने से, जैसे मैंने बताया कि आपका जो है एसिडिक ब्लड इज गेटिंग मोर एसिडिक उसके डाइजेशन के बाद, एंड उस एसिडोसिस को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी नीड्स कैल्शियम। जब कैल्शियम उसमें हमारे भोजन से उसको नहीं मिलता तो वो हड्डियों से, इट्स अ हाईएस्ट काइंड ऑफ कैल्शियम लीचिंग, एंड दैट इज व्हाई द कंट्रीज हु आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ डेयरी थिंग्स एंड मिल्क एंड ऑल, दे आर सफरिंग मोर फ्रॉम द बोन डिसीजेस। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अनदर पॉइंटर आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन इज स्लीप एंड रिलैक्सेशन। जब हम एजिंग के दौर पे चढ़ रहे होते हैं, हमारा उम्र जो है धीरे धीरे, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारा जो स्लीप है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, क्वालिटी स्लीप नहीं है हमारे को मिल रही है, या हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम इज बाउंड टू फॉल। ये आप क्या समझते हैं कि कोरोना के टाइम पे जो मॉर्बिड सिचुएशन में लोग होते हैं वो क्यों जल्दी ससेप्टेबल हो जाते हैं? बिकॉज समवेयर दे आर लैकिंग इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस। स्ट्रेस एंड फियर इतना हावी हो जाता है कि उनको इम्यूनिटी को बहुत डाउन ले आता है, एंड सो दे फॉल प्रे टू ऑल द इंफेक्शंस एंड वायरसेस। तो हमें क्या करना है, अपना प्रॉपर स्लीप जो है, नंबर ऑफ आवर्स सबको पता होता है कि उतने अगर हमने नहीं लिए तो वी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन टू आर फुलेस्ट पोटेंशियल। देन फिजिकल एक्टिविटी, नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर ऑन, यू नीड टू कीप मूविंग। अपनी जिस स्टेज पर आप हैं आप मूवमेंट जरूर करिए। जितना मूवमेंट करेंगे उतना बॉडी विल बी इलास्टिक, एंड उतना अपना जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स है, दे आर एबल टू कैरी आउट द मैसेजेस एंड द सर्कुलेशंस आर प्रॉपर, एंड देन आर ऑर्गन्स आर वर्किंग एफिशिएंटली। एंड विद एज वी नीड टू टेक केयर ऑफ आर के हमारे को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है। कई बार हम जो है कॉन्स्टिपेशन को बड़ा मामूली मानते हैं कि अरे पेट क्लियर नहीं हो रहा, अरे ये होता नहीं है, चलो जल्दी से कोई लैक्सेटिव ले लो, खा लो कोई चूरन, खा लो गोली, खा लो हो जाएगा। बट इट हैज अ डीप साइकोलॉजिकल कॉज। कॉन्स्टिपेशन का कॉज समझिए कि हमारा जो ब्रेन और हमारा गट का जो रिलेशन है, इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड इफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस लेवल, योर ईटिंग हैबिट्स। और आपको जरूर पाएंगे कि या तो आपका स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा हो रहा है या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो उन फैक्टर्स को आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी। अनदर पॉइंटर इज इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ इज लाइक वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग इमोशनल बींग्स हैं, वी आर सेंसिटिव, एंड आस पास जो हमारी स्थिति होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है, मान लीजिए पास्ट में कुछ हमें लगता है कि काश मैं उस समय ये करता या करती, तो रिग्रेट कई बार आता है। तो ऐसे कई इमोशंस होते हैं, एंगर है, कुछ ऐसी घटनाएं
जो पास्ट में हुई है, बट वी आर रीलिविंग दोस इंस्टेंसेस, और जब हम रीलिव करते हैं तो बिल्कुल उसी इमोशनल टर्मोइल से हम गुजरते हैं, एज इफ इट इज हैपनिंग टुडे, चाहे वो बरसों पहले बात हुई हो। तो वो उन चीजों से हमें बचना है कि द पास्ट इज हिस्ट्री एंड द फ्यूचर इज मिस्ट्री, सो ओनली थिंग इज लिव इन द प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। आज का जो इस समय का है, ज्यादा जैसे ही कई बार अगर आपको लगता है, इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला आपको बता सकती हूँ कि कई बार जो हमारे इमोशंस है दे सक अ लॉट ऑफ एनर्जी, हमारी बहुत सारी एनर्जी सक कर लेते हैं, हमें डिप्लीट कर देते हैं, हमें ड्रेन कर देते हैं। तो कोई ऐसे इमोशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बार बार ऐसा इमोशन है जो आपको बार बार या रिग्रेट या गिल्ट या कोई ऐसा मन में विचार आता है कि काश मैं ये कर लेता, आप उसको पेपर पे लिखिए। पेपर पे लिख कर जो भी इमोशन आपको जो है आपको ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, उसको एक पेपर पे लिखिए, लिख कर उसको बर्न कर दीजिए, यू जस्ट बर्न इट स्वाहा, और उसको बर्न करके आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जो बर्डन है वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें कोई व्यक्ति पूछेंगे कि ये कैसे संभव है, इसमें होता ही है कि द इमोशंस वी आर फीलिंग वी आर ट्रांसफरिंग इट टू द पीस ऑफ पेपर। अब कई लोग ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि हाउ सिली इज दिस, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो आप, ऐसा कभी होता है कि इमोशन जो है आपके दिमाग से पेपर पर आ गए, ये कैसे संभव है? तो दिस इज अनबिलीवेबल, पीपल डोंट बिलीव इट। फॉर दैट आई से कि मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने घर में कोई छोटा बच्चा है, योर किड, या अगर आप ग्रैंड पेरेंट है तो आपका पोता या पोती बड़े प्यार से अपने टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग से और कच्ची पक्की ड्राइंग से कुछ बड़ा ही जो है कोई मास्टरपीस नहीं, लेकिन अपनी क्षमता से अगर एक कैसी भी ड्राइंग बना के अगर आपको देता है तो दैट इज फुल ऑफ लव फॉर यू। आप उसको कितने भी पैसों में नहीं आप किसी को दे सकते, वो आपको जान से भी प्यारा, उसको संभाल के रखते हैं, बिकॉज बच्चे के इमोशंस उसमें, एज इफ यू कैन फील देयर लव, सो दिस इज हाउ द इमोशंस आर ट्रांसफर्ड एंड दैट पीस ऑफ पेपर और ड्रॉइंग बिकम्स प्राइसलेस फॉर यू। सिमिलर इज द थिंग विद द इमोशंस विच डिप्लीट यू एंड ड्रेन यू, तो उसको लिखिए, उसको जला डालिए और स्वाहा, that's the end of it, and it will gradually, and it depends on the intensity. ये एक बार जलाने से हो सकता है आपके इमोशन की इंटेंसिटी इतनी हो कि ये आपको कई बार करना पड़े, तो वो आपके इमोशन की इंटेंसिटी पर है, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली आपका वो जो बोझ है, जो इतना बोझ आप अननेसेसरी कैरी करके चल रहे हैं, उससे आप निजात पा जाएंगे, एंड यू विल फील मच लाइटर एंड रिलैक्स। सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि, आई एम रियली एस्टोनिश्ड के हमारे पूर्वजों में इतना ज्ञान से भरपूर कैसे होते थे, उनको सब चीजों के बारे में नॉलेज थी, और उनकी नॉलेज जो है आज के संदर्भ में भी, प्रेजेंट टाइम्स में भी वैलिड है, लाइक इट्स ऑल टाइम, लाइक इट्स फॉर ऑल टाइम्स, कभी भी पुरानी नहीं होती है। और उसमें महर्षि पतंजलि मेंटल हेल्थ, इफ यू वांट टू बी मेंटली हेल्दी का मतलब क्या होता है, यू आर एबल टू टेक डिसीजंस, यू आर एबल टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, यू टेक इट इन योर स्ट्राइड, एंड आप उससे जो है घबराते नहीं है, और इस हेल्थ को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए यम और नियम पतंजलि ने दिए हैं, यम 5 होते हैं, विच आर द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सोशल बिहेवियर, यानी कि सोसाइटी में आपको कैसे मूव करना है, कैसे व्यवहार करना है। हम एक सामाजिक प्राणी है, एकांत में तो रह नहीं सकते, हमें हर समय लोगों के साथ जो है मिलजुल के रहना है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो घर है, रिश्तेदार है, सो वी आर सोशल एनिमल। तो सोशल हेल्थ के लिए वो कहते हैं 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी के जो 5 यम है, मैं फिर से बोलती हूँ,
उन्होंने सोशली अपने आप को बिहेवियर आपका वेल एडजस्टेड हो उससे आपका मेंटल हेल्थ सही होगा. तो वो है अहिंसा नंबर वन, सत्य अस्ते तीसरा नंबर, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह. नॉन वायलेंस या अहिंसा यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से, यानी कि आपको सोचनी भी नहीं है किसी के लिए हार्मफुल थॉट, क्योंकि वाइब्रेशंस ट्रेवल फास्टर देन द वर्ड्स. आपने कुछ सोचा, आप सोचेंगे कि मैं आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आप सोचेंगे मैं मन में उसके लिए कुछ सोच रहा हूँ, बट द एनर्जी ट्रेवल्स फास्टर. आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि कुछ लोग जैसे कि आपके यहाँ आते हैं तो यू फील वेरी लाइट एंड एनर्जेटिक एंड जॉयफुल, बट कुछ लोग हैं कुछ करते नहीं, कुछ कहते नहीं, बट उनकी प्रेजेंस से यू फील, यू डोंट फील गुड. सो दैट इज देयर एनर्जी ट्रेवलिंग टू यू बिकॉज समथिंग नेगेटिव इज गोइंग इन साइड देम. सो आपको जो है मन से, वाणी से और कर्म से नॉन वायलेंस, यानी कि आपको कोई ऐसा ना शब्द बोलना है, ना किसी को हानि पहुंचानी है और ना ऐसा कार्य करना है जिससे हिंसा हो. और जैन धर्म में तो अहिंसा का इतनी चरम सीमा का पालन होता है कि मतलब आई एम एस्टोनिश्ड कि आप लोग इतना कड़ाई से पालन कैसे कर लेते हैं. सो अहिंसा देन सत्य. सत्य जो है इसका मतलब होता है कि जो बात जैसे हो उसको वैसे ही कहना या मानना. सत्य में इतनी पावर है कि न केवल आप चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप रिश्तों में हो, तो मुझे तो लगता है बल्कि झूठ बोलने में ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि याद रखना पड़ता है कि क्या कहा था किससे, तो उससे एनर्जी ज्यादा ड्रेन होती है. सच बोलने में व्यक्ति फ्री रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो वो आपकी इमोशनल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को या आपकी एनर्जी को, जितना आप झूठ, कहते नहीं है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो आपकी एनर्जी हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ता है, तो कितनी आपकी ड्रेन होती है एनर्जी, अननेसेसरी ड्रेनेज ऑफ एनर्जी होती है. तो यानी कि सच सदस्य, हाँ सच कड़वा हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है परेशानी उससे कम होगी, आपके रिश्तों में जो है और आपकी मेंटल हेल्थ, सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य आपका सही रहेगा. अस्ते का मतलब हमारा जीवन जो है कितनी चीजें चाहिए हमें. हमेशा यदि हम भागते रहेंगे कि एक कार है, पड़ोसी के पास चार है, मेरे पास चार क्यों नहीं है, हम हमेशा होड़ में लगे रहेंगे सामान को, मेरे पास अरे आजकल फैशन में ये साड़ी आई है, हाय मेरे पास क्यों नहीं है, अलमारी भरी पड़ी हुई है साड़ियों से. लेकिन कनक जी हंस रही हैं, तो कितनी चीजें चाहिए हमें बहुत ज्यादा, यानी कि वॉन्ट्स और नेसेसिटी. देखिए नेसेसिटी हमारे को ज्यादा चीजों की नहीं है और वॉन्ट्स का तो एंड ही नहीं है, वो तो आप जितनी भी अपनी इच्छाओं की, वो जो कहते हैं ना मन तो इतना वो चलता है कि उसकी तो इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता कि मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं. तो अपनी इच्छाओं को बार चीजों पर, बल्कि चीजों से ज्यादा लोगों को महत्व दीजिए, उनकी भावनाओं को तो हर्ट नहीं कर रहे आप, बजाय इसके कि आप अपनी ये भी ले लूं वो भी ले लूं, मैं दूसरे से और अच्छा बन जाऊं, अब की बार शादी में जाऊंगी तो मैं सबसे अच्छी साड़ी पहन के जाऊं, तो ये इन सब चीजों से ज्यादा आप लोगों को महत्व दीजिए कि आपकी प्रेजेंस से क्या लोगों के भीतर एक खुशी आती है, या आपसे लोग कतराना चाहते हैं कि अरे भाई ये कटु शब्द बोलेंगी और या जो भी है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है. उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य, आप भी खुश रहेंगे और आप जहां जाएंगे आपकी संगत में लोग भी प्रसन्न रहेंगे आपकी संगति में. और इसके बाद ब्रह्मचर्य का एक्चुअली मतलब ये नहीं है कि जो लोग आमतौर पे, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म है ईश्वर, यानी कि ईश्वर के चलाए हुए बताए हुए मार्ग पर चलना. ये नहीं कि ये इसका जो है लोग कहते हैं कि भाई सेक्स और ये सब नहीं और साधु हो जाना नहीं, हम जो है सोशल प्राणी हैं, हम जो है हम कोई जंगलों में रहने वाले साधु संत नहीं है, हमें जीवन यापन के लिए सभी इमोशंस की जरूरत है. लेकिन ब्रह्मचर्य का असली मतलब है कि ब्रह्म मतलब ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना, जो सही है जो सच्चा है उस मार्ग पर चले.
अपरिग्रह है, यानी के अस्ते का, सॉरी मीनिंग मैंने गलत बताया, अस्ते का मतलब है चोरी ना करना। अब ये जो अपरिग्रह है इसका मतलब है कि होर्डिंग नहीं करना सामान, मैंने टर्म आई एम सॉरी अबाउट दैट, अपरिग्रह। हाँ, अस्ते का मतलब होता है चोरी ना, चोरी ना मतलब करने का यहाँ पर ये आशय नहीं है कि किसी की आप लिटरली चुरा ले। अगर आपके मन में भी भावना आ गई कि अरे इसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये भावना भी गलत है। लिटरली चोरी करना ही नहीं बल्कि मन में ऐसा विचार लाना भी वो है। और जो अपरिग्रह है उसका मतलब था ये जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजों की बहुत होड़ होती है कि मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं, तो एक लिमिट तक, मिनिमलिस्टिक लिमिट। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि बहुत सारे जेवर हम लोग, अभी मैंने हमारे ही रिश्तेदार में एक महिला थी, वो अपना सोने की चेन पहन के बैठी हुई थी घर के बाहर जैसे चबूतरे, वो कोई चोर आया और चेन लेके खींच के चला गया। उस दिन से फिर उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी शुरू कर दी। तो फिर फायदा क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप होड़ करें, यानी कि सोना लें डायमंड्स लें, और फिर उसके चोरी की चिंता में आप उसको लॉकरों में रखे उसको पहन नहीं सकते। और मतलब एक बार तो ऐसा भी किस्सा हुआ कि वो चोर ने, फिर जब उन्होंने आर्टिफिशियल चेन पहननी शुरू कर दी, तो वो जब मोटरसाइकिल पे एक उनके साथ एक महिला के साथ किस्सा हुआ कि वो चेन लेके चला गया और जब उसने देखा कि ये नकली है तो वापस आया और उसको मारा एक थप्पड़ कि ये नकली पहन के बैठी है। तो यानी कि आप पहले तो सामान एकत्रित करें, उसकी टेंशन लें, डिमांड करें घर पे कि नहीं मुझे ये चाहिए, फिर उसकी सुरक्षा के लिए आप चिंतित रहें कि भाई लॉकर में रखूं मैं तो पहन नहीं सकती। तो इतना मेंटल स्ट्रेस, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों के संग्रह, ज्यादा मेटेरियलिस्टिक जो टेम्परामेंट है उससे बचे। और उसके बाद जो है पांच नियम जो है पतंजलि ने, ये तो थे सोशल कंडक्ट के, सोसाइटी में किस तरह से अपना व्यवहार, अब पर्सनल, अपना पर्सनल अपने कंडक्ट को कैसे, अपने मेंटल पीस के लिए, इसे कहते हैं शौच। इसका पहला नियम है पांच, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। यानी कि अगर आपको अपनी मानसिक शांति चाहिए तो सबसे पहले कोई भी शरीर में जो मल से भरा हुआ है, आपके भीतर टॉक्सिन्स हैं, वो उसके मन में शुद्ध विचार आ ही नहीं सकते। तो शौच का मतलब क्लीनलीनेस, सफाई, यानी के रेगुलर आपके शरीर का शोधन होना बहुत जरूरी है। अगर आप मन की पवित्रता चाहते हैं तो पहले शरीर को पवित्र करिए, प्योर कीजिए, बाह्य और आंतरिक स्वच्छता का ध्यान। आंतरिक स्वच्छता का मतलब बाहर से तो आप नहा लिए, अच्छा शैम्पू लगा लिया, साबुन लगा लिया, लेकिन भीतर आपके नेगेटिव विचार भरे हुए हैं, क्रोध और ईर्ष्या भरी हुई है, तो वो आपका जो है जो शौच है या क्लीनलीनेस नहीं हुआ। तो आपको उनसे भी अपने आप को स्वच्छ रखना है, शरीर को प्योर और मन को प्योर। कंटेंटमेंट यानी के संतोष, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। आपको भगवान जिस हालात में रखता है वहां संतोष करके आपको निरंतर, मैं ये नहीं कहती कि एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, जीवन के प्रति आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो आप करिए, लेकिन दुख से और भर के नहीं, जो मिला है उसको संतोष अपने भीतर करके और अपना प्रयास करना चाहिए। तप, तप का मतलब डिफिकल्टीज, कष्ट झेलने की क्षमता। जैसे कि अगर आप स्वस्थता चाहते हैं तो आपको बिस्तर का त्याग करना पड़ेगा, ये तप है, सुबह उठना पड़ेगा, अपने मन पे जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये तप है, यानी कि नींद का त्याग, स्वाद का त्याग, ये इससे बड़ा तो कोई तप ही नहीं है। और ये बहुत मुश्किल है, यकीन मानिए, मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरती हूँ कि इच्छा और कई बार नहीं हम कंट्रोल कर पाते, तो ये तप है। जीवन में अगर सही पथ पे जाएंगे तो उसके लिए कठिनाई तो तप कह, और लेकिन वही है, जो जितना तपेगा उतना सोना निखरेगा, जितना नियंत्रण कर लेंगे, तप कर लेंगे, उतना जो है आपका शरीर जो है आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है अध्ययन, यानी कि अध्ययन, अपना अध्ययन, स्वयं को जानना,
हम लोग अक्सर दूसरों को ज्यादा देखते रहते हैं, कौन क्या गलती कर रहा है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन स्वयं का अध्ययन नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या चूक हो रही है, हम कहीं हमें कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। तो स्वयं का अध्ययन करें, और स्वाध्याय में ये भी कहा जाता है कि जो गुणी लोग हैं उनकी बातें सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अध्ययन का मतलब उससे भी है और स्वयं के अध्ययन, तो ये हो गया स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान का मतलब है सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, कि ईश्वर को जो है धन्यवाद देते हुए कि हे ईश्वर, जैसा मेरे लिए उचित है वैसा ही तूने मुझे जीवन दिया है, तू सबसे ज्यादा जानता है, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस जीवन का निर्वाह बिना कष्ट के, बिना दुख पाए झेल सकूं, और मेरे अंदर क्षमता है, कष्ट आएंगे तो वो क्षमता मुझे प्रदान कर। तो और ईश्वर के प्रति अपना पूरा का पूरा सर्वस्व जो है ईश्वर प्राणिधान, यानी के आपको उस ईश्वर के प्रति ये विश्वास रखना है कि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, और हमें जो है ईश्वर ने जो स्थिति प्रदान की है उस पे चलते हुए अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करते रहना है। तो इस तरह से हम जो है यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो है कोई रोग से ग्रस्त हो सकता है, क्योंकि कोई भी विकार, कोई भी रोग मन से शुरू होता है, विचार से शुरू होता है। पहले मन के लेवल पे, विचार के लेवल पर जो बीमारी है वो भीतर आती है और फिर वो शरीर पर मैनिफेस्ट होती है। तो इसीलिए शरीर का और मन का आपस में जो सामंजस्य है उसका आपको जो है ध्यान रखना है, चेक रखना है, क्योंकि विचारों पर नियंत्रण रखना है और किस प्रकार से विचार आ रहे हैं। कि ये तो नहीं कि अननेसेसरी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप बिना बात की और बिना अननेसेसरी दुख पा रहे हैं, पुरानी किसी बात को लेकर आज भी परेशान है, जो बातें बरसों पहले घटित हुई थी उसके लिए आप आज भी परेशान हो रहे हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है तो उससे मुक्ति पाइए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाइए, फेथ बढ़ाइए, और अपना जो है मन में संतोष का जरूर आने दीजिए, क्योंकि उससे उसके बगैर जो है आप अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप कितनी भी अच्छी डाइट कर लें, कितना भी अच्छा एक्सरसाइज कर लें, अगर आपके मन के भीतर के जो शांति अगर नहीं हुई तो आपके रोग पूरी तरह से पूर्णतः समाप्त नहीं होंगे। तो इसी इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को हम विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो जी जरूर पूछे, बताएं। तो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। और कल से 4 बजे मिस करेंगे हम? नहीं, मैं जल्दी ही अगला कैंप हम शुरू करेंगे, डेफिनेटली। निर्मला जी टेक केयर, और अगला कैंप हम हाँ 2-4 दिनों में, और विद इन आई थिंक नेक्स्ट मंडे तक हम शुरू कर लेंगे अगला कैंप। तो उसमें जो आपने बहुत ध्यान दिया मेरा, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलने में, और मेरे को एनर्जी आई है इससे बहुत। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप दिखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। निर्मला जी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ थैंक यू वेरी मच सुशीला जी, जल्दी मिलते हैं फिर। हाँ जरूर जरूर, ओके बाय 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 बाय।